हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम बात करने वाले हैं आपके जीवाणु जनित रोग, जितने भी आपके बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, यानी कि बैक्टीरिया किस प्रकार से रोग हमारी बॉडी में कर सकता है। कहते हैं ना कि बैक्टीरिया हार्मफुल भी होता है तो कुछ फायदेमंद भी देखा जाता है। तो सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सभी को राम राम, नमस्कार। सेशन को अपने सभी दोस्त यार, भाइयों, बंधुओं तक शेयर कर देंगे ताकि आपकी क्लास उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जिनको अपने ALP एग्ज़ाम के लिए करनी है तैयारी, RPF की तैयारी करनी है। फिलहाल आपके एग्ज़ाम की डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि लगभग आपको समय जो है वो जून से लेकर अगस्त तक आपका पेपर होगा। तो लगभग तुम्हारे पास अभी 4 से 5 महीने जो हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कर सकते हैं। चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन अभी टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे हमारा। काफ़ी सारे बच्चे इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि मैम किस प्रकार से हमारी जो भर्ती है वो सिर्फ 5000 यहाँ वैकेंसी के पद दिए गए हैं, वो कम है, वो ज़्यादा होने चाहिए, उस पर प्रोटेस्ट काफ़ी चल रहा है। मैं फ़िलहाल आपसे यही कहूँगी कि देखिए, शांतिपूर्वक कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर आगे लेकर के चलेंगे। आप सभी को पूरी तरह से जो सपोर्ट है वो यहाँ हर एक टीचर के द्वारा, पूरी रैंकर्स गुरुकुल टीम के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग भी शांतिपूर्ण इस काम को करें। आपकी बात ज़रूर से सुनी जाएगी। धीरे धीरे करके काफ़ी सारे नोटिस तुमने देखा, कल भी एक दिन में 2 नोटिस तुम्हारे लाए गए हैं रेलवे के द्वारा। RRB की वेबसाइट पर ही उन्होंने डेट्स भी अनाउंस की हैं। चीज़ें धीरे धीरे करके अगर हो रही हैं तो फिलहाल उस प्रोटेस्ट को यहाँ पर जिस प्रकार से आप करना चाह रहे हैं भैया, वो तरीका गलत है। ठीक है, मैं अभी आपसे यही कहूँगी कि शांतिपूर्ण इस काम को जो है वो यहाँ पे आप सभी अपना करना शुरू करें, और तैयारी में चूक नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपका टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं, जिसमें आज बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। कल भी हमने कुछ बीमारियों की शुरुआत की थी, कल वाली क्लास में। इस क्लास की ना पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के एक बार चेक कर लेना, चैनल पर ही आपको मिल जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ RPF वाला भी, देखिए ये RPF और ALP दोनों को टारगेट करते हुए, बाकी मैं तो तुमसे ये कहूँगी आने वाला तुम्हारा ग्रुप डी का पेपर हो, NTBC हो, भर्ती अगर आ जाती है ना तो ये तुम्हारे हर एक एग्जाम में फ़ायदा करने वाला है। तो बस अभी के लिए काम करना, नोट साथ में बनाते चलना। सब कुछ YouTube पर लाइव आपके इसी सेशन में मैं आप लोगों को करा रही हूँ। विज्ञान की, साइंस की, जो पूरा सामान्य विज्ञान है उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो। आपने क्या करना है, डेली अपनी क्लासेस को अटेंड करना है, बस ये भरोसा आपको करके यहाँ पर चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी के साथ कल हम लोगों ने कुछ बीमारियों के ऊपर बात कर ली थी कि कौन सी आपकी संक्रामक होती है, कौन सी गैर संक्रामक होती है, यानी कि कुछ बीमारियां हमारे एक दूसरे के आसपास कांटेक्ट में आने से फैल भी जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो मैम फैलती नहीं है, जैसे कि हम कैंसर की बात करें या कोरोना वायरस है जो कि आसानी से फैलता हुआ नजर आता है। अब आपके जीवाणु से होने वाले ऐसे रोग जो श्वसन मार्ग को अफेक्ट करें, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करें। बैक्टीरिया है, बॉडी के अंदर जाएगा या तो खाने की नली के रास्ते, तो आपके अमाशय को, आपके अग्नाशय को, आपकी पित्त की थैली, आंतों में प्रभाव डालेगा। लेकिन अगर वो श्वास नली के रास्ते आता है तो वो किसको प्रभावित करेगा, आपके फेफड़ों को, फुसफुस को प्रभावित यहाँ पर करेगा। बोलो बात क्लियर है? तो मैम इसी के अंदर हम एक एक करके रोगों के बारे में जानेंगे, जैसे कि सबसे पहला रोग आता है निमोनिया का। देखो आप सबने सुना होगा ना कि बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तब खास तौर पे उसको ठंड लग करके निमोनिया जो है वो हो जाता है। अब आखिर होता क्या है इस बीमारी के अंदर, और कौन इसका कारक है, कैसे ये फैलता है। कल भी हमने इस डिफरेंस को समझा था कि किस प्रकार से कोई भी बीमारी कराई जाती है, यानी कि एक बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, कोई छोटा सूक्ष्म जीव अगर नजर आ रहा है वो बीमारी को कॉज कराता है, वो उसका कारक जीव होगा। लेकिन अगर फैलाने की बात करें तो कोई मक्खी, मच्छर, कोई कीट आ गया तो वो उस रोग को फैलाने का काम करता है, उसका वाहक बन जाता है। अब आप यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, हमारे फेफड़ों के अंदर सबसे छोटा भाग, या मैं कहूँ ऐसा हिस्सा जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जल्दी बताओ वो कौन सा भाग होगा। मतलब आज ना क्लास के अंदर ही याद करेंगे और प्रॉपर इस तरीके से कि तुम्हारी बीमारियां जो हैं वो तुम्हें अभी क्लास के अंदर चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। चलो भाई जल्दी से बताओ निमोनिया। अब सबसे छोटा भाग कौन सा है, एल्वियोलाई होता है। मतलब मैम ये जो छोटी छोटी कुपिकाएं मुझे दिख रही है ना, ये कुपिकाएं हैं, लेकिन ये कुपिकाएं का जितना भी काम होता है वो होता है वायु के एक्सचेंज का, यानी कि गैसियस एक्सचेंज का। भाई फेफड़ों में आओगे और फेफड़ों के अंदर सबसे छोटा भाग मुझे आकर के अंदर ये जो पूरी आपकी ट्रैकिया बट रही है तो एक छोटी सी यहाँ थैली सी नजर आती है, उसी थैली की बात कर रहे हैं एल्वियोलाई की। लेकिन मैडम ये एल्वियोलाई खाली होती हैं और इसमें क्या भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है बैक्टीरिया। मतलब वो बैक्टीरिया जाएगा निमोनिया का और जाकर के इस हिस्से को प्रभावित करेगा, एल्वियोलाई में जाकर के बैठ जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ऑडियो में कोई प्रॉब्लम किसी को? सत्यम बिल्कुल देखो हम पूरी ट्रिक्स भी याद करेंगे किस प्रकार से आपके सारे रोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले एक एक बीमारी को हम समझ के चलेंगे। तो मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि संक्रमण कहाँ हो रहा है मैम? एल्वियोलाई में। कल पढ़ा था टाइफाइड होता है। टाइफाइड तुमने गलत खाना खा लिया, दूषित खाना खाया, पानी पिया, जाएगा कहाँ? तुम्हारी आंतों में, और तुम्हारी आंतों को प्रभावित करेगा। तो ये अंग पूछता है कि निमोनिया हुआ है तो कौन से भाग पे, कौन से हिस्से को वो प्रभावित करता है। तो फेफड़ों के अंदर पहुंची हुई छोटी, सबसे छोटी एक वायु की थैली जिसे कुपिकाएं कहा जाता है। तो यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि देखिए मैडम अगर किसी की नॉर्मल एल्वियोलाई है तो वो खाली दिख रही है। ध्यान देना, अभी लिखेंगे इस चीज को। अभी ये खाली दिख रही है, बढ़िया से मेरी ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर आई, अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के बाहर चली गई। तो यहाँ होता क्या है? मेन गैस का एक्सचेंज होता है। लेकिन अगर इसमें कुछ इस प्रकार से संक्रमण हो गया है, कुछ अंदर आकर के भर गया है जिससे व्यक्ति सांस लेने में भी दिक्कत, समस्या फील करता है, महसूस करता है, इसे निमोनिया कहते हैं। बोलो बात क्लियर हो रही है कि नहीं? जल्दी से बताओ, ठीक है। तो पहला रोग जो आपका बनेगा उसमें हम बात करेंगे जीवाणु जनित रोगों में निमोनिया के बारे में, बैक्टीरियल डिजीज। ये रोग कौन से हैं? जीवाणु जनित। अब जीवाणु जनित रोग में जो हम पहला भाग देख रहे हैं वो है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो आपके श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन मार्ग के द्वारा जो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। तो यहां पर पहला रोग बन जाता है हमारा, जिसका नाम दिया निमोनिया। इस निमोनिया का जो कारक जीव है, जिसे हम कहते हैं, इसका पैथोजन कौन सा यहाँ पर कहा जाएगा? हाँ भाई, कोई आंसर करने वाला है कि मैम इसका कारक जीव क्या है? सबसे पहले तुम बोलोगे मैम एक बैक्टीरिया आता है वो काम करता है। क्यों भाई? अरे तुम कैसे परेशान हो मेरे भाई। चलिए, क्यों इतनी टेंशन लेते हो? आपसे कहा कि इसका बैक्टीरिया यहाँ पर क्या होगा जो करा रहा है, तो आपने कहा मैम जीवाणु होगा, लेकिन जीवाणु का नाम क्या है? तो वहां नाम याद रखना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। यही है जो बीमारी को कराता है, ये इसका पैथोजन यहाँ पर कहा जाएगा। हो क्या रहा है इसके अंदर? होता है कि मैम एल्वियोलाई में संक्रमण हो जाता है, कुपिकाएं जो हैं वो संक्रमित हो जाती हैं। बोलो हाँ कि ना? भाई चीजें समझ में आ रही हैं, बढ़िया से क्लियर हो रही हैं। तो सेशन को अपने हर दोस्त यार, भाई बंधु तक पहुंचा देना, क्योंकि मैम तो तुम्हारे लिए डेली सुबह 11 बजे यही रैंकर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपकी तैयारी करा रही है। बात आपकी है कि आप कितना नोट कर रहे हो और कितना रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि अभी सवाल कराओगे तो पता चलेगा तुम एक्चुअली में कितने पानी में हो, ठीक है। तो यहाँ इसका ये पैथोजन होगा, इसके अंदर देखने को मिलता है इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। आप कह सकते हैं कुपिकाओं में संक्रमण हो रहा है, कुपिका में संक्रमण हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है? ये आपने अभी देखा कि हमारे एल्वियोलाई के अंदर कुछ म्यूकस भर जाएगा, कुछ आपका जो बैक्टीरिया है वो जाकर के वहाँ पर गैस के एक्सचेंज को रोकने का काम करता है, मतलब प्रॉपर्ली गैसेस एक्सचेंज होने नहीं देता है। तो इस रोग को मैंने नाम दे दिया निमोनिया। कारक पूछेगा, आप बताएंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। जीवाणु यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं जीवाणु जनित रोग। अब देखो मैम ये कहानी तो समझ में आ गई। निमोनिया में नीला नीला सा आंखें हो जाती हैं, नाखून हो जाते हैं, शरीर नीला सा पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पा रही है। अल्टीमेटली कहानी वहीं आती है कि देखिए भैया आपका ये जो पूरे कुपिकाएं हैं ना, ये प्रभावित हो रही हैं और ऑक्सीजन और आपके कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को अफेक्ट कर रही हैं, इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है और बॉडी के अंदर ये सिम्टम्स जो है वो हमारे नजर आते हैं। अब मैडम एक और कहानी, अब देखो जरा इसको। अगला रोग जो आता है उसका नाम है, यहाँ पर कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। मैम ब्रोंकाइटिस नाम कैसे पड़ा? आप सबने एक बीमारी आमतौर पे सुनी होगी, किसी को एलर्जी हो गई, किसी को धूल से है, किसी को पॉलन ग्रेन से है, किसी को परफ्यूम से है, किसी को मसालों से है। होती है कि नहीं होती? भाई सबको अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है कि आप अगर धूल के संपर्क में आओगे तुम्हें छींक आनी शुरू हो जाएंगी, तुम्हें मसाले के कॉन्टैक्ट में आते ही छींक आनी शुरू हो जाती है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस भी ऐसे ही कुछ रोग नजर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ये बॉडी में। बात करें बात करें अगर निमोनिया के बाद अगले रोग की तो उसका नाम है आपका ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाई वर्ड मैं कहाँ सुनी थी, कहाँ समझाया था आपको, एक बात मुझे फटाफट से बताओ। देखो दूसरा रोग बना ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, यहां पर देखा जाता है कि मैम ये हमारे पास क्या है, दो फेफड़े हैं, ये आ रही है ट्रैकिया, ध्यान देना भाई इधर, ठीक है, ये ट्रैकिया आ रही है। ये सब हमने रेस्पिरेशन में बहुत डिटेल में पढ़ा था और इसीलिए मैं ये चैप्टर तुम्हें लास्ट में करा रही हूँ कि सारे सिस्टम समझने के बाद जब तुम बीमारियों को समझोगे तो तुम्हारे दिमाग में अंग जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ये आपका रहा ट्रैकिया। ट्रैकिया जब बटता है, कुछ विभाजन होता है, यहाँ बनते हैं एल्वियोलाई, लेकिन इस हिस्से को, ये जो नली लेकर के आ रही है इन कुपिकाओं को, इसको नाम दिया जाता है आपका ब्रोंकाय। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये हिस्सा जो आप देख रहे हो, इसको नाम देते हैं ब्रोंकाय। अब मुझे बताओ, ये एक डक्ट ही तो है, इसको और ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। देखिए भाई ये क्या है, ये एक प्रकार की नलिका ही तो दिख रही है मुझे। मैं तुमसे कहूँ कि भाई इस नलिका के अंदर सूजन आ गई है, क्या आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, उसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई से नाम पड़ गया ब्रोंकाइटिस। परमानेंट स्वेलिंग आ जाती है किसके अंदर, आपके इन्हीं ब्रोंकाय वाले हिस्से के अंदर। ये देख पा रहे हो जो आपके एयर को लेकर के आ रही हैं, ये जो नलिकाएं लेकर के आ रही हैं, अभी इंसान जो है वो नॉर्मल है, उसको भाई कोई समस्या नहीं है, कोई ब्रोंकाइटिस नहीं है, तो मैडम उसकी नलिका क्या दिख रही है, मुझे साफ दिख रही है, आसानी से ऑक्सीजन यहाँ से आ रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाएगी। लेकिन इसके अंदर देख रहे हो कैसे ये म्यूकस सा भर गया है, यहाँ पर ये सूजन सी आ गई है, इसी को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? मैम ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए आप कौन से चावल की रोटी खाते हो? हैं, चावल की रोटी कौन खाता है, पहले तो तुम ये बता दो मुझे, रोटी किसकी खाई जाती है, चावल की तुम खाते हो या गेहूं की रोटी खाते हो? क्यों भाई, पढ़ लो इसको ध्यान से, वरना एग्जामिनर तुमसे उस चावल की अगर वैरायटी पूछ लेगा ना तो तुम नंबर अपने वहीं पर कटा के बैठ जाओगे। तो इसीलिए चावल की और गेहूं की रोटियों को छोड़ करके ये बीमारियों को पढ़ लो। सवाल जब पेपर में आपका पूछा जाएगा तो एग्जामिनर तुम्हें वहीं घुमा देगा, और घूमो ना, इसीलिए क्लास को डेली अटेंड कर लिया करो कि कौन सा चावल की रोटी खाती हो। ये चावल की रोटियां खाते हैं भाई, बताओ। चलिए तो यहाँ पर बात करेंगे ब्रोंकाइटिस की। अगला रोग है ब्रोंकाइटिस का जो कारक जीव कहा जाता है, यानी कि जो पैथोजन है, इसका हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस की ही स्पीशीज यहाँ पर नजर आती है, स्ट्रेप्टोकोकस की ही स्पीशीज दिखाई देती है, स्ट्रेप्टोकोकस। हो क्या रहा है इसके अंदर, आपके मुख्य तौर पे ब्रोंकाई में परमानेंट स्वेलिंग यहाँ आ जाती है, तो आप लिख सकते हैं परमानेंट स्वेलिंग इन ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में सूजन जो है वो आनी शुरू हो जाती है, तो इसी रोग को हमने क्या नाम दिया, ब्रोंकाइटिस का नाम यहाँ पर दिया है। बोलो बात क्लियर हो रही है कि नहीं? तो पहला रोग मैडम हमने देखा जिसे निमोनिया कहा, दूसरा हमने देखा जो हमारे ब्रोंकाइटिस नजर आता है। ऐसे ही हमें एक रोग दिखाई देता है जिसको अस्थमा कहते हैं। कई लोगों में, आप लोगों ने अगर अस्थमा के बारे में सुना है तो भैया अस्थमा का रोग जो है वो भी समस्या ज्यादा कर देता है, देखो इधर। और अस्थमा के बाद लोग क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। देखा है कि नहीं देखा, बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ। हाँ भाई, इसे कहते हैं अस्थमा। इस प्रकार से लोग इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, छाती पे, लंग्स में भारीपन फील होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इंसान को सांस लेने में समस्या आती है। उसको लगता है कि भैया शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस जो है वो हमारी प्रॉपरली नहीं जा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही है। मगर आखिर ऐसा होता क्या है इस बीमारी के अंदर? जो आप देख रहे हो अस्थमा है और एक आपका ये नॉर्मल व्यक्ति है, दोनों में एक छोटा सा अंतर पाया जाता है। सेम चीज़ हम देखते हैं कि सूजन आती है। अभी जैसे हमने ब्रोंकाइटिस में देखा सूजन आ रही थी, लेकिन वो सूजन कैसी होती है, परमानेंट होती है। किसके अंदर, ब्रोंकाई में। ये नॉर्मल व्यक्ति की आपकी नलिका आ रही है, ब्रोंकाई आ रही है, इसके अंदर अगर कुछ मोमेंट के लिए, कुछ थोड़ी देर के लिए स्वेलिंग अगर दिखाई दे रही है, म्यूकस जाके जमा हो गया है। जिन लोगों को सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है उनके अंदर बलगम बनता है, और वो जाकर के अगर इस नलिका में आपका कुछ देर भी रहना वहाँ पर शुरू हो जाएगा तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा फील होता है जैसे कि आपका जो पूरा चेस्ट है उसको किसी ने बांध दिया हो कस करके। तो जब अस्थमा का अटैक आता है उस टाइम पर सेम चीज होती है, ये जो आपकी कुपिकाओं तक जो ऑक्सीजन जा रही होती है इस रास्ते में देख रहे हो म्यूकस बहुत ज़्यादा भर जाता है और यहाँ म्यूकस जैसे इकट्ठा होता है तब लोगों को अस्थमा का अटैक आना शुरू हो जाता है। मतलब उनको फील होता है कि भैया अब ऑक्सीजन तो नहीं आ रही है, तो फिर सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है या नहीं, जल्दी से बताओ। कुछ इस प्रकार से व्यक्ति की ये जो नलिका जा रही है इसके अंदर ब्लॉकेज आनी है, इसके अंदर म्यूकस का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तब व्यक्ति ऐसा फील करता है अस्थमैटिक अटैक। बार बार खांसी आना और सांस जो है वो ना आना, ये सारे लक्षण इसको यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्रतीत कैसा हो रहा है कि मैडम पूरी बॉडी को कैसे बांध दिया हो किसी ने और हमें सांस लेने में सबसे ज्यादा समस्या दिखाई दे रही है। दोनों में अंतर क्या है, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में कुछ क्षणिक पल के लिए अगर दिखाई देगी तो अस्थमा में म्यूकस जमा हो रहा है, लेकिन अगर परमानेंट सूजन आ रखी है तब हम कहते हैं वो हमारा ब्रोंकाइटिस नजर आता है। एक में टेम्पररी है तो दूसरे में परमानेंट है। सूजन दोनों में आ रही है, कहाँ आ रही है, आपके इसी ब्रोंकाई वाले हिस्से में म्यूकस जो है वो ज्यादा मात्रा में बन रहा है। बोलो भाई बात क्लियर है कि नहीं। चलिए, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर क्लियर करनी है, जो हमें यहाँ पर समझ करके चलनी है। तो भैया इसे ही को हम नाम क्या देते हैं, अस्थमा का नाम देते हैं। ठीक, अगला जो हमने कल बात करी थी जिसका नाम क्या होता है आपका, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के अंदर आपने देखा कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया काम करता है, ये ऑलरेडी हम कल लिख चुके हैं। तो तीसरा वाला एक बार जिसने नहीं लिखा हो वो नोट कर लेना। डिप्थीरिया नाम का रोग होता है जिसको गल घोटू भी कहा जाता है, गल घोटू भी कहा जाता है। डिप्थीरिया का जो पैथोजन कहलाएगा वो कहलाता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, ये नाम जरूरी है, ये कारक जीव का नाम है, ये हमें यहाँ पर याद करके चलना है कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही इसका कारक जीव है जो इस रोग को कराने में सक्षम होता है। गल घोटू हो जाता है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि गले में सांस, मतलब अभी तो हम फेफड़ों की बात कर रहे थे ब्रोंकाइटिस में, निमोनिया में, यहाँ पर गले के अंदर ही आपके कुछ ऐसे पैचेस बन जाएंगे जिससे आपको सांस लेने में समस्या होनी शुरू हो जाती है। मतलब आप प्रतीत ऐसा होता है कि हमारे गले में कुछ रुकावट यहाँ पर आ रही है, देख सकते हो, इसे कहते हैं गल घोटू। अब इसका टीका लगता है बच्चों को, जब बच्चा आपका 5 वर्ष से कम होता है उस समय पर ही इसके टीके जो हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। काफी बीमारियां ऐसी हैं जिनके टीके अगर आप बचपन में नहीं लगवाते हो तो आगे जाकर के ये प्रॉब्लम जरूर करती हैं। जैसे डीपीटी का टीका होता है, मीजल्स मम्स रूबेला का टीका होता है, खसरा से कन्वर्सेन से बचाने के लिए भी टीका आपका देखा जाता है। ठीक, तो ये टीका यहाँ पर याद रखेंगे। इसी डिप्थीरिया नामक रोग से बचाने के लिए जो टीका होता है, जो वैक्सीन होती है, उसे कहते हैं डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन में 3 रोग आपके कवर होते हैं। डी से होता है डिप्थीरिया, ठीक है, और पी से नाम आता है परट्यूसिस का, परट्यूसिस जिसे हम कहते हैं काली खांसी, कुक्कर खांसी, और टी से आता है टिटनस, ठीक है, टिटनस ये आपका हो गया। तो इन तीनों को मिलाकर के हमारी जो रोग बनता है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, नंबर 4 लिखना, परट्यूसिस। अभी परट्यूसिस नाम के रोग को कहते हैं काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी कह लो, कुक्कर खांसी कह लो इसको, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं हुपिंग कफ। कई बार पर्ट्यूसिस ना लिख करके हुपिंग कफ लिखा गया है और पूछा गया है कि भैया ये कौन सा है। बच्चों को देखा रात में बहुत तेज लाउड साउंड वाली खांसी आती है, मतलब उनकी आवाज बहुत तेज हो जाती है, ऐसा प्रतीत होता है। कुत्ता खांसी है, कुक्कर खांसी भी इसको कहते हैं, काली खांसी भी इसी को कहा जाता है। बच्चे जब खांसते हैं रात के टाइम पर, स्पेशली जब वो सोने जा रहे होते हैं, लेटते हैं, तभी उनको वो खांसी आनी शुरू हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि भैया ये जो पर्ट्यूसिस का बैक्टीरिया है ना, ये बॉडी के अंदर उनके जा चुका है। उस बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर नोट करेंगे कि इसका कारक जीव, इसका जो पैथोजन है वो यहाँ पर कहा जाता है बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है, बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस। तो ये नाम जानने बहुत ज़रूरी है। लाउड साउंड, काली खांसी, खांसी आना बच्चों को बहुत तेज़ यहाँ पर शुरू हो जाती है। भाई केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी चल रही हैं, पुष्पेंद्र सर करा रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। चलो, तो मैं अभी फिलहाल इन सब चीज़ों को नोट करते चलो, बाद में जब सवाल आएंगे तो सोचोगे। ये पूरा टीका है, ये वैक्सीन है, उसकी फुल फॉर्म लिखी है डीपीटी की। डिप्थीरिया नाम की रोग जो अभी हमने गलघोटू बोला, पर्ट्यूसिस ये आपका काली खांसी हो गया, और टी से होता है टिटनेस। कभी ऐसा लगा है कि मैम हम बात कर रहे हैं किसी से या खाना खा रहे हैं, उस समय अचानक से हमारे जो ऊपर और नीचे का जबड़ा होता है ये वहीं का वहीं किसी एक पोजीशन में कुछ सेकंड के लिए लॉक हो गया हो। लॉक मतलब वहीं अटक गया। तुम सोचो अब मैं मुंह को, इस जबड़े को हिलाऊं कैसे, इसको मूव कैसे कराऊं, तो वो नहीं हो पा रहा। उस रोग को नाम देते हैं टिटनस का रोग। टिटनस के रोग में आपका जबड़ा जो है वो लॉक हो जाता है। किसकी वजह से? एक बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? एक बैक्टीरिया की वजह से। तो ये सब हम देख रहे हैं जीवाणु जनित रोग। पांचवा जो आप लिखेंगे इसको नाम दिया हमने टिटनस का। इसे कहते हैं लॉक जॉ डिसऑर्डर। यानी कि यहां पर जबड़ा क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है, अटक जाता है एक जगह। इसका जो पैथोजन है, यानी कि अगर हम इसके कारक की बात करेंगे कि कौन इसको कराता है, तो टिटनस को कराने वाला क्लोस्ट्रीडियम टिटनी का नाम दिया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो इस रोग को कराने में सक्षम होता है। तो मतलब अलग अलग प्रकार से आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारे रोग हैं ये यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है भाई, तो इसको लिख सकते हैं। ये कहलाता है अगेन, इसके लिए भी टीका आपका वही डीपीटी वाला चल रहा है। इसके लिए भी टीका डीपीटी वाला चल रहा है, जबड़ा अटक जाने की वजह से। बिल्कुल हाँ, इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। चलो क्लियर है सबको, कोई समस्या नहीं है। जिसको वैक्सीन नहीं लगी होती प्रॉब्लम उसको यहाँ पर ज्यादा होती है, तो इसीलिए वैक्सीन अपने बच्चों को 5 साल तक के जरूर से लगवाएं। अलग अलग बीमारियों के लिए ये सबसे ज़्यादा आवश्यक आपकी देखी जाती है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यानी कि मैम एक एक रोग हमारे इम्पोर्टेंट है। अब एक रोग आता है जिसका नाम है टीबी का रोग, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो अगला रोग 6 नंबर याद करेंगे, टीबी। ये सब हमारे किसको प्रभावित कर रहे हैं? श्वसन मार्ग को। टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, इसका जो पैथोजन होगा, इसका जो कारक जीव होगा, वो भी एक बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज में वो आता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस कहा जाएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी नाम की समस्या जो है इसका भी टीका लगता है। और पहले देखा जाता था कि भैया ये टीबी के अंदर ना जितने भी लोग प्रभावित होते थे वो एक दूसरे से संपर्क में आने से टीबी फैल भी रहा था। टीबी मिट्टी से भी फैलता हुआ नजर आता है, पैरों के अंदर। इसका बैक्टीरिया जो है वो अगर आप खाली बिना चप्पल पहने नंगे पांव चल रहे हो तो वहां पर आपके पैर में अगर वो बैक्टीरिया चढ़ गया मिट्टी से तो भी ये रोग देखने को मिलता था। तो इसका मुख्य तौर पे एक तो कंटैमिनेशन देखने को मिलता है कि आप किसी के संपर्क में आ गए तो भैया वो बैक्टीरिया आपके श्वसन मार्ग में चला गया है। दूसरी बात करें, इसका टीका बच्चों को लगाया जाता है। अब तो खैर इसका टीका बन गया है, लेकिन पहले ये जब फैलता बहुत ज़्यादा था, जैसे कोरोना की बात करें, जब कोरोना नया नया आया था उस टाइम पर हम बच ही नहीं पा रहे थे। जब इसकी वैक्सीन बन गई तब जाके कहीं इसका प्रिवेंशन एक आपने देखा। तो इसी प्रकार से हर बीमारी की अपनी अपनी एक वैक्सीन बनी हुई है। इसका जो टीका है उसका नाम है BCG। अब देखो इस BCG की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ना इसके वर्ड पूछ लिए जाते हैं कि भैया B का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे बेसिलस कालमेट ग्यूरिन नाम दिया जाता है BCG को, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो इसकी फुल फॉर्म याद करके चलनी है। कुछ चीजें यहाँ पर समझ के जाना कि मैडम इंग्लिश में जो इनके नाम है आएगा इसी प्रकार से बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, तो इनके लेटर्स को याद करके आपको यहाँ पर जाना है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। बेसिलस कामेट ग्यूरिन, ये टीका लगवाया जाता है BCG का। वैक्सीन हो गई आपकी ये टीबी के लिए। अच्छा, दूसरा इसका जो इलाज है वो पहले देखा जाता था, एक डॉट्स नाम से ट्रीटमेंट चालू किया था, DOTS, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ताकि इंसान, ये पूरी स्कीम चलाई गई थी जिससे हर नियर बाय एरिया में कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पेशेंट निकल रहा है तो जल्दी से जल्दी वो अपना इलाज कराने के लिए पहुंच सके। तो उसके लिए DOTS नाम से डॉट्स एक स्कीम चलाई गई थी। किसके इलाज के लिए भैया? टीबी के इलाज के लिए। तो DOTS नाम से इसका एक ट्रीटमेंट जो है वो भी यहाँ पर चलाया गया था। चलो, तो टीबी के लिए जो ट्रीटमेंट होता है DOTS, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म वापस से कहूंगी, बहुत बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैडम, क्योंकि यही फुल फॉर्म, एक एक वर्ड उसने तुम्हें ऑब्जर्व की जगह कुछ और लेटर लिख दिया, हो गया काम खत्म, हो गया 2 नंबर गायब। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये नाम जो है वो अपन यहाँ पर याद करके चलेंगे कि किस प्रकार से चीजें हमारी देखी जाती हैं। तो ये कहलाता है आपका टीबी का रोग। आप देख सकते हो टीबी जो है वो पहले देखा जाता था कि भैया ये आपका एक दूसरे के संपर्क में आने से भी फैल रहा है, मिट्टी से भी फैलता हुआ नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है तो भैया इसके अंदर तो ये देख रहे हो माइकोबैक्टीरियम का जो बैक्टीरिया है वो इसके बॉडी में तो है, इसकी खाने की नली में तो दिख रहा है, श्वसन नली में दिख रहा है, अचानक से वो कहाँ गया, आसपास के एरिया में तुमने बात करी तो तुम्हारे अंदर भी वो क्या हो गया, प्रवेश कर गया है। जल्दी से बताओ। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, गूगल वाले डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ भी छोटा सा भी सिम्टम हुआ जाएंगे फटाफट से गूगल पे चेक करेंगे, और गूगल बाबा क्या बताएंगे, सीधे कैंसर, कुछ नहीं है सीधे कैंसर करा देंगे कि भैया एक्सट्रीम सिचुएशंस। तो देखिए गूगल अपनी जगह सही है लेकिन आप अपनी जगह कहीं ना कहीं गलत हो जाते हो। जब भी कोई छोटा मोटा भी लक्षण अगर दिखाई दे किसी भी बीमारी का ना, तो पहले अपने नियर बाय जो भी डॉक्टर हो उसके पास जाया करिए और वहाँ जाकर के उनसे सलाह मशवरा किया करो, तब जाके दवाई लिया करो। ये नहीं कि घुटनों में दर्द है तो लेकर के कैल्शियम की डेली टैबलेट खानी शुरू कर दी और जैसे ही ढेर सारी कैल्शियम खाओगे तुरंत किडनी में पथरी हो गई, गुर्दे में पथरी हो गई, फिर परेशान कि बताओ ये पथरी कहाँ से हो गई। इलाज तो तुमने खुद ही कर लिया ना अपने आप, तुमने चेक नहीं कराया विटामिन डी का लेवल कितना कम है कितना ज्यादा है। तो इन सब चीज़ों के लिए कभी भी कि अगर हल्का सा भी कोई बैक्टीरिया का रोग हुआ है तो लिया और एंटीबायोटिक खाली, काम खत्म। किसी भी एंटीबायोटिक को खाने से पहले डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए, पूछिए कि भैया समस्या है क्या, उसकी जांच कराओ, उसके बाद करो, क्योंकि ये बीमारी शरीर को खराब करने के लिए एक बहुत घातक रोल प्ले करती है और आप उसमें तुरंत से क्या काम करते हो, गूगल बाबा वाले डॉक्टर बन जाते हो। तो भैया वो काम कतई ना करें। ये कहलाता है आपका ट्यूबरक्यूलोसिस। आप देख सकते हैं इस प्रकार से रॉड शेप के ये बैक्टीरिया हैं जो जाएंगे और कहाँ आपके फेफड़ों के अंदर प्रभावित ये लंग्स को कर देते हैं और अल्टीमेटली ये बीमारी आपके फेफड़ों को होती हुई नजर आती है, ठीक है। जैसे विशाल कुमार कह रहे हैं मैम मेरे यहाँ एक आदमी को साउंड चला गया था खांसी की वजह से और मुंह से। अच्छा देखो बात वही है, उनके साथ कुछ और भी लक्षण हुए होंगे यहाँ पर जिस वजह से ये रोग उनको देखने को मिला, कि केवल ये नहीं कि खांसी की वजह से। वो खांसी कौन सी थी, कहीं वो कुकर खांसी तो नहीं थी, कहीं उसके अंदर कोई और दूसरा रोग तो नहीं देखने को मिल रहा था। तो भैया उसकी पहले जाँच होगी, पूरे खून की जाँच होगी, तब जाकर के चीज़ें जो है उनके इलाज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका, और इसका ट्रीटमेंट जो है वो DOTS नाम से डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ये दिया गया था। ये WHO के द्वारा शुरू किया गया था ताकि आपका जो इलाज है टीबी का वो आसानी से हर व्यक्ति के पास तक पहुंच जाए। तो 2 संस्थाएं थी जो इसमें मदद कर रही थी, एक WHO थी आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी आपकी जो थी वो इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस एंड लंग डिजीज। ये दोनों संस्थाएं मिलकर के इस प्रोग्राम को शुरू करी थी जिसका नाम है डॉट्स। तो डॉट्स की फुल फॉर्म अपन को याद करके जानी है, पूछेगा किसने करा, तो 2 संस्थाएं हमारी यहाँ पर नजर आती हैं, ठीक है। आ जाओ अगली बीमारी को यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट बीमारी जिसका नाम होता है आपका लंग कैंसर। अब देखो अत्यधिक लोग, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी, अगर प्रेजेंट डे का डेटा देखा जाए तो आज के टाइम में 60% युवा ऐसा है जो स्मोकिंग करता है और ये स्मोकिंग ही एक सबसे बड़ा कॉज बन जाता है किसका, लंग कैंसर का। 60% युवा ऐसा है। आधे कहेंगे मैम स्ट्रेस दूर करने के लिए कर रहे हैं, आधे कहेंगे कि नहीं नहीं हमें तनाव के अलावा भी और ज़्यादा लत लग चुकी है, आदत लग चुकी है इसलिए कर रहे हैं। रीजन्स बहुत सारे हैं लेकिन ये जो अफेक्ट कर रही है वो आप नहीं समझ पाते हैं। जब आप स्मोकिंग की बात करते हैं, स्मोकिंग एक सबसे बड़ा कॉज बन जाता है लंग कैंसर का। अब उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी आपके फेफड़ों के अंदर। आपके जो लंग्स होते हैं, जो आपके फेफड़े होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे से जो सेल्स पाए जाते हैं उन सेल्स में डिवीजन जो है वो आपका एबनॉर्मल हो जाता है और अल्टीमेटली ये आपका लंग कैंसर बनाता है। एक सेल खराब होगा, दूसरा खराब होगा और आसपास के सारे सेल्स को खराब कर देगा। तो लंग कैंसर की समस्या स्मोकिंग से सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये एक उस नॉर्मल व्यक्ति का फेफड़ा है जो स्मोकिंग नहीं करता और ये फेफड़ा उस व्यक्ति का है जो स्मोकिंग करता है। तो बात को समझना कि स्मोकिंग, ये जो आप धूम्रपान करते हैं, ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है आपके शरीर के लिए। ये हालत हो जाती है अंदर आपके फेफड़ों की, कुपिकाएं जो हैं वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। किसी अगर लंग स्मोकिंग जो करता है, मतलब स्मोकिंग जो करता है, उसका अगर एक्सरे भी देखा जाए ना, तो भैया कुछ इस प्रकार से आप देखोगे कि उसके फेफड़ों के अंदर कंजेशन कितना ज़्यादा हो जाता है और उसका साइज़ भी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं किसके कारण, स्मोकिंग के कारण। तो खास तौर पे लंग कैंसर की जो अलग अलग स्टेजेस बनती हैं, इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि स्मोकिंग हमें यहाँ पर नहीं करनी है, इसको छोड़ देना है। तो ये क्रियाएं आपके ही शरीर को क्या कर रही हैं भैया, खराब करती हैं। देख सकते हो पहले स्टेज में केवल और केवल क्या होगा मैम, एक छोटा सा ट्यूमर बन के आएगा। ये वाला एक छोटा सा भाग देख रहे हो कि आपके फेफड़ों में एक सेल बनेगा जो कि आएगा शुरुआत में, वही सेल आसपास के सेल को प्रभावित करेगा, मतलब नियर बाय सेल्स में अपनी थोड़ी सी संख्या को बढ़ाएगा। ये स्टेज 2 का लंग कैंसर है। फिर उसके बाद ये तुम्हारे इतने हिस्से को, पूरे ट्रैकिया तक को अफेक्ट करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे करके ये पूरे लंग्स को प्रभावित करना शुरू कर देता है। मतलब यही कैंसर तुम्हारा चौथे चरण में पहुंच जाता है। आप चाह कर के भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसका इलाज जो है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसीलिए जिम वाले जो कैल्शियम खाते हैं कभी भी सही नहीं होता जब तक आप जांच ना करा लो। कैल्शियम की मात्रा हमेशा, जब डॉक्टर भी रिकमेंड करता है विटामिन डी की, वो आपकी हफ्ते में एक कैप्सूल या महीने में 2 कैप्सूल, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है बॉडी में कितनी कमी है। ज़्यादा है तो उस हिसाब से नंबर बढ़ेगा, कम है तो उस हिसाब से नंबर बढ़ेगा, क्योंकि वहीं से हमारी जो ग्रंथि होती है अवटू और परावटू उन पर प्रभाव डालता है और साथ में आपके पथरी बननी शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग से ही आपका जो फेफड़ों में कैंसर है ये बनता हुआ शुरू हो जाता है। तो भैया ये आपके रोग बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं फेफड़ों से संबंधित, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो प्रभावित करते हैं। अब देखो दूसरा एक रोग आता है जिसको हम नाम देते हैं मेनिंजाइटिस। यहाँ तक हमने आपकी जो बात करी, ये बात करी थी टिटनस, टीबी और आपका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ये सारे रोग जो थे वो आपके श्वसन मार्ग को संबंधित दिखाई दे रहे थे, मतलब ये सभी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले रोग थे। अब एक ऐसा बैक्टीरिया जो ब्रेन में जाएगा और ब्रेन को प्रभावित करना शुरू कर देगा, ठीक है, उसको हम यहाँ नाम देते हैं मेनिंजाइटिस। बैक्टीरिया से होने वाला एक दूसरा रोग कहा जाता है मेनिंजाइटिस। अब मुझे जल्दी से बताएंगे, देखो सबने पढ़ रखा है मेनिंज कहाँ होती है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कि मेनिंज जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे भाई, मेनिंज नाम की जो झिल्ली होती है ये कहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन का क्या आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ। पढ़ा था ना नर्वस सिस्टम, पढ़ा था ब्रेन। ब्रेन में आपके ऊपर की जो झिल्ली होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसी को कहा जाता है मेनिंज, जो आपके कपाल और मस्तिष्क के बीच में होती है। अब मैम वहाँ पे आपने 3 झिल्लियाँ बताई थी, कितनी? 3 झिल्ली, 1, 2 और 3। अंदर की तरफ क्या है मेरे पास, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क है, और ऊपर कपाल की हड्डी है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। ये 3 लेयर्स मिलकर के कहलाती हैं आपकी मेनिंज की लेयर। अगर मैं तुमसे कहूं कि भैया आपके इन्हीं 3 लेयर्स में बैक्टीरिया जाकर के अफेक्ट कर रहा है, तो क्या कहोगे कि मैम मेनिंजाइटिस हुआ है, ठीक है। ब्रेन में आपके इस झिल्लियों में संक्रमण होना शुरू हो गया है, इसी को कहते हैं मेनिंजाइटिस। बोलो हाँ कि ना भाई, चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, एक बार फटाफट से बताओ, जल्दी 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 से। चीजें क्लियर हो रही हैं और हो रही हैं, समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे जो नंबर है ना वो होने वाले हैं पक्के। जैसे मैं सिंपल आप लोगों को अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगी तो आपको अंदाजा लगेगा कि मैम क्या हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और क्या एक पैटर्न हमारा पेपर का बनता है। तो अगर चीजें क्लियर हो रही है तो सेशन को एक बार फटाफट से अपने हर दोस्त यार, भाई बंधु तक शेयर कर देना, क्योंकि ये क्लास तुम्हारी रोज चलती है सुबह 11 बजे और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा थ्योरी वाला पोर्शन, ये जो इम्पोर्टेंट भाग है, ये कहीं से भी कैसे भी तुम्हारा मिस हो। तो बढ़िया से जो आपका थ्योरी है उसको समझिए, तभी आप सवालों को लगाने में ईजिली अपने हल कर पाएंगे, ठीक है। चलो, तो मेनिंजाइटिस के अंदर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके मेनिंज की झिल्ली में संक्रमण देखा जाता है, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंज। अब मेनिंज में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो कारक जीव होगा, यानी कि इस बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर क्या होगा, जो पैथोजन होगा इस बीमारी का, वो यहाँ पर क्या होगा, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो भैया क्या नाम देंगे, कौन सा बैक्टीरिया काम करता है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से। और जो नहीं लिख रहा है भैया लिखना शुरू कर दो ताकि तुम्हारी चीजें जो है वो आगे के लिए रिवीजन के लिए यहाँ पर पक्की हो जाए। आवाज आ रही है सभी को? चलो भाई, तो इसका कारक जीव जो होता है कोरोना नहीं होता, कोरोना वायरस होता है। कोरोना वायरस है, ये बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाम आता है आपका मेनिंगोकोकस। मेनिंज के लिए नाम याद करेंगे मेनिंगोकोकस। तो ये स्पीशीज आती है जो कि आपके मेनिंजाइटिस को कराने में सक्षम होती है, मेनिंगोकोकस। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से रोग आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा होते हुए नजर आते हैं। अब देखो इसी आधार पर अगर मैं कुछ सवालों को आपको बोलूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे यहाँ से बन सकते हैं, तो मैम इसी बेसिस पर, चलो भाई, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बीसीजी का जो टीका लगता है वो किसके लिए लगता है, बताओ एक बार फटाफट से। क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगता है। अब देखें मैम कितनी चीज़ें समझ में आई हैं। बैक्टीरिया खाने के रास्ते यानी कि आपके टाइफाइड, कोलेरा, हैजा नाम की समस्याओं को भी कराता है। बैक्टीरिया आपके श्वसन मार्ग को भी प्रभावित करता है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ट्यूबरक्यूलोसिस। बीसीजी की बात कर रहा है तो भैया बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए लगता है। देखो डिप्थीरिया के लिए बताया था कि मैम डीपीटी का टीका लगेगा, ठीक है, तो डिप्थीरिया तो वैसे भी नहीं होगा जो सी आंसर लगा रहे हैं, इसके लिए डीपीटी का टीका बताया था। लेकिन ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए, तपेदिक रोग भी इसको कहा जाता है, इसके लिए लगता है आपका बैसिलस कामेट ग्यूरिन नाम का टीका। सी ऑप्शन लगाने वालों ने पहले ही अपना आंसर जो है वो यहाँ पर गलत कर लिया है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो तुम्हें फैलता हुआ नजर आता है? डिप्थीरिया, डायबिटीज, अर्थराइटिस या कैंसर। इसका आंसर जो दे देगा ना, मतलब मैडम उसको चैप्टर भी क्लियर हो गया, मतलब अलग लेवल पे उसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ एक बार। डायबिटीज, डिप्थीरिया, अर्थराइटिस या कैंसर, इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल है, संचारी रोग है, फैल सकता है? मैम हम तो आंसर बी लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं। पहली चीज सुनो मेरी, डायबिटीज कभी फैलती है कि पड़ोसी को डायबिटीज है, मेरे को भी हो गई, उसकी बॉडी में शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही तो मेरे में भी नहीं होगी? नहीं फैलती ना, तो ये भी नहीं होगा मैडम। अब बात कर रहा है गठिया की, अर्थराइटिस है। किसी के जोड़ों में अगर यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है तो गठिया हो जाता है, क्या उसके जोड़ों में यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है तो मेरे में भी ज्यादा बनेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं उसके पास बैठूं और हो जाए। ये भी आंसर गलत हो जाएगा। अब कैंसर, मैंने पहले ही बताया था कैंसर किसी से भी कम्युनिकेट नहीं होता कि अगर सामने वाले को कैंसर है तुम गए और हो गया, ये कोरोना वायरस थोड़ी है, तो ये कैंसर भी नहीं फैलता। अब बचा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से देखा जाता है, लेकिन इस सवाल में बाकी के तीन ऑप्शन ऑलरेडी गलत हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर जो भी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब ये मैं स्ट्रिक्टली एलिमिनेट कर सकती हूँ। ये सवाल जीएस का वो सवाल है जो तुम कहते हो कि मैडम पेपर में बड़े टफ क्वेश्चन आते हैं जीएस के, ये टफ है। ये किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तो वो बता देगा कि यार ये तीन बीमारियां तो मुझे जानता ही हूँ, ये तीनों फैलती नहीं है, बचा क्या? डिप्थीरिया। यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो है वो आपके यहाँ पर बन जाते हैं। पूछेगा निम्न में से किसकी सांद्रता से रक्ताल्पता में कमी हो जाती है, मतलब आपके हीमोग्लोबिन की कमी अगर पूछा जाए या एनीमिया जो है वो किसकी कमी से देखा जाता है, ये सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या आंसर लगाएंगे इसका? क्लियर? तो बस छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मैम हमें यहाँ पर डरने की, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है। ठीक है, चलो क्लियर है। तो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन की कमी जो है वो यहाँ पर आपकी देखी जाएगी, क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से ये सवाल आपके बनते हैं। अब एक बहुत प्यारा सा रोग, हमने रोग जो देखे हैं, टाइफाइड देखा, कोलेरा देखा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैम हम ना शाम को घूमने जाते हैं, और घूमने जाते हैं तो भैया चाट पकौड़ी खा ही लेते हैं, आप में से भी 90% ऐसे होंगे जो कभी रुकते नहीं है, क्या खाने से, बाहर का भोजन खाने से। अब आपने बाहर का भोजन खा लिया, ठीक है, घर आए, पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब पेट में दर्द हुआ तो तुम समझ नहीं पाए क्या हुआ, लेकिन तुम्हें पता चला डॉक्टर के द्वारा कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब आखिर ये फूड पॉइजनिंग किससे होती है, कई बार ये नाम सुना होगा तुमने, क्या हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग ये किसके द्वारा देखी जाती है, तो ये भी एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जीवाणु जनित रोग देखा जाता है। अब आप जब बाहर गए थे ना, आप बाहर गए थे, कुछ आपने खाया, वो जो तुमने खाया था उसके अंदर भैया एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसने क्या करा दी, तुम्हें फूड पॉइजनिंग करा दी। उस फूड पॉइजनिंग को ही हम दूसरा नाम देते हैं बोट्यूलिज्म, ठीक है। तो इसका जो कारक होता है, जो बैक्टीरिया इसके अंदर काम करता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि भैया फूड पॉइजनिंग अगर हुई है तो फूड पॉइजनिंग में कौन सा बैक्टीरिया काम कर रहा होगा जो बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, जो आपके अग्नाशय को, आपके आमाशय को प्रभावित कर रहा है, और आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, कि भैया इसने क्या करा दिया, फूड पॉइजनिंग। तो बाहर जब भी जाओ तो आसपास का जरूर देख लो कि यार क्या खा रहा हूँ, कहाँ खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं बन सकता, कहीं उस खाने के अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया तो नहीं आ जाएगा। ऐसा ना हो कि कल को तुम जब भी बाहर जाओ तो सबसे पहले तुम्हें मैडम की याद आएगी, यार मैडम ने मना किया था, बाहर का तो कुछ खाना ही नहीं है, ठीक है, ये मेरे हुआ है। हाँ, तो ये होता है, ये बहुत आम बीमारी है, और अभी नहीं, गर्मियों में ज़्यादा फैलता है। हैजा नाम की समस्या हो जाती है, कोलेरा हो गया, और आप बोलोगे कि हैजा के अलावा टाइफाइड हो गया, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि गर्मियों में जो लोग हैं ना, गर्मियों में जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इन सब के शिकार हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। तो ये कहलाती है आपकी फूड पॉइजनिंग। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक के द्वारा फैलती हैं, थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यानी कि प्रजनन मार्ग से या प्रजनन मार्ग के द्वारा फैलती हुई। अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अगर आपने कुछ श्वसन मार्ग से देखा तो निमोनिया, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस ऐसी समस्याएं देखी। अगर आपके भोजन के मार्ग से देखा जाए, यानी कि आपके खाने की नली से देखा जाए तो टाइफाइड, कोलेरा हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ से भी बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर जाकर के रोग करा सकता है। जैसे कि अगर हम आपसे बात करें कि भैया एक रोग होता है जैसे कहते हैं सिफिलिस, सिफिलिस नाम के रोग के अंदर आप क्या देखते हैं कि बॉडी के अंदर पूरे रैशेस हो जाते हैं, और ये रोग बैक्टीरिया से फैलता है, रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन अंग के द्वारा फैलता हुआ नजर आता है। जो कह रहे हैं मैम एड्स होगा, तो मेरे भाई एड्स वायरस से होता है, हम बात बैक्टीरिया की कर रहे हैं। एड्स वायरस का एक रोग देखा जाता है जो विषाणु जनित रोग होता है, तो एड्स नहीं होगा। सिफिलिस नाम का ये जो रोग आप देख रहे हो, इनिशियली जब स्टार्टिंग में इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो कुछ छोटे छोटे से, मतलब सोर जिन्हें हम कहते हैं ना, दाने से होने शुरू हो जाते हैं, रेड रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं, वो आपको प्राइमरी लेवल पे बहुत कम दिखेंगे। फिर उसके बाद जब ये रोग, जब ये बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ा रहा होगा, उस समय पूरी बॉडी के ऊपर आप देख सकते हो रैशेस होने शुरू हो जाते हैं। ये सेकेंड स्टेज होती है जब सिफिलिस का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है और आपका नंबर अपने संख्या को बढ़ा रहा है। तीसरी स्टेज में आपके हृदय में, आपके लिवर पे, आपके ब्रेन पे, इन अंगों को प्रभावित करना शुरू कर देता है। तो ये रोग ट्रिपोनेमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इस रोग को कहते हैं सिफिलिस, ठीक है। हाँ, एड्स का टीका सबको याद है, चलो इधर, इसे कहा जाता है सिफिलिस नाम का रोग। तो लिख लेंगे सिफिलिस। फैलता किससे है? आपके प्रजनन रास्तों से, और इसका जो कारक होता है, इसका नाम याद रखना बस, इसके कारक का नाम होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम। ट्रिपोनेमा पैलिडम। ठीक है, तो ये कहलाता है इसका कारक जीव। इसके अंदर हो क्या रहा है, आपके शरीर पर दाने शुरू हो जाते हैं, बॉडी पर रैशेज आने यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, पूरी बॉडी पर रैशेज आने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है सबको ट्रिपोनेमा पैलिडम? चलो चीजें क्लियर हो रही है, फटाफट से एक बार बताओ यहाँ पे जल्दी जल्दी से। हाँ भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अभी अगर सवाल आएगा तो लगा दोगे, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं लगेगी मैम। ये सारे रोग हमारे किससे बने हुए हैं? ये सभी रोग हमारे बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हुए नजर आते हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी आप इनको कह सकते हो, एसटीडी भी इनको यहाँ पर कहा जाता है। यही बीमारियों को हम नाम क्या देते हैं, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो आपके यौन संपर्क से फैलते हुए नजर आती हैं। एक सिफिलिस हमने यहाँ पर देखी, ऐसे ही एक और रोग होता है जिसे गोनोरिया कहते हैं। ठीक है, इसका कारक अगर आपसे पूछा जाए तो भैया इसका कारक भी हमारा कहा जाता है नाइसीरिया गोनोरिया। तो ये हमारे अलग अलग जीवाणु से होने वाले रोग दिखाई देते हैं, नाइसीरिया गोनोरिया। बॉडी के ऊपर रैशेज होंगे और इसके अंदर ही आप क्या देखते हैं कि भैया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हुए नजर आते हैं, यौन संपर्क से फैलते हुए ज्यादा नजर आते हैं। ये सारे रोग जो है ना, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। आप देखो, ये बैक्टीरिया ने रोग कराए, यही बैक्टीरिया तुम्हारे दूध से दही जमाने में मदद करता है, यही बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आपकी आंतों में बैठा होता है। जब इसे कहते हैं गुड बैक्टीरिया, खाने को पचाने में, जैसे कहते हैं ना आंतों के अंदर आपका खाना ठीक से पच रहा है कि नहीं पच रहा, आपकी गट हेल्थ ठीक है या नहीं, उसके लिए भी एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। तो बैक्टीरिया के प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, यानी कि बैक्टीरिया हार्मफुल भी है तो कहीं ना कहीं ये आपके कुछ फायदे भी इसके नजर आते हैं। और फायदों में मैम एक दो ही फायदे, नुकसान है, बैक्टीरिया आएगा तो रोग जरूर लेकर के अपने साथ में आता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके कुछ क्वेश्चंस को और यहाँ पर देखते हैं कि मैम ये सब हमने जो पढ़े हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, देखे जाते हैं, जो कि बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स यहाँ पे कहे जाएंगे। चलो क्वेश्चन बताओ, बीसीजी की वैक्सीन में सी शब्द का अर्थ क्या है? बीसीजी के टीके में सी शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? अभी इन्हें कट ऑफ की चिंता हो रही है ना, अभी चिंता कट ऑफ की हो रही है। अभी ये नहीं पता है कि अभी आपकी पेपर किस लेवल का आना है, वैकेंसी अभी आपकी 5000 वैकेंसी है। कट ऑफ की चिंता मत करो मेरे भाई, अपनी तैयारी की चिंता करो। पद बहुत कम है, ये बात मैं भी मानती हूँ, और इसके ऊपर आपके लिए पूरी लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है, हर प्रकार से आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपके लिए पूरी टीम, अगर आप वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पीछे से पूरा काम आपके लिए यहाँ पर करा जा रहा है। लेकिन इस तरीके से अगर आप सोचेंगे कि पढ़ाई बंद करके सारे काम कर दूँ, वो भी संभव नहीं है। अब तो तुम्हारे लिए डेट भी दे दी है, तुम्हें सांत्वना देने के लिए ये भी कह दिया है कि भैया देखो अगले साल का जो कैलेंडर है वो हम जनवरी 2025 में रिलीज कर देंगे, मतलब एसएससी की तरह अब तुम्हारी रेलवे भी सालाना कैलेंडर जारी करेगी। तो बातें कही तो जा रही हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये मत सोचो कि पढ़ाई बंद कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कोने में वो बैठा होगा, वो इन्हीं 5000 सीट में से अपनी एक सीट लेके आर पार हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर भी देना। चलिए आंसर आ रहा है यहाँ पर कामेट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बीसीजी का फुल फॉर्म था बैसिलस कामेट ग्यूरिन, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये टीका किसके लिए बताया था? टीबी नाम के रोग के लिए ये टीका आपका देखा जाता है। इसी प्रकार से अगला सवाल यहाँ पर हम देखेंगे। चलो कह रहा है लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर ये किस बीमारी का दूसरा नाम है? लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर इज द अदर नेम ऑफ विच डिजीज? बीमारी है टिटनस, मस्कुलर डिसऑर्डर, टाइफाइड या फिलेरियासिस। आंसर करो जल्दी जल्दी से। हाँ भाई भिवानी हरियाणा से, बहुत बढ़िया। अभी ये क्लास जो है वो रोज सुबह 11 बजे चल रही है, तो बिल्कुल समस्या परेशानी नहीं लेनी है। देखिए आपके लिए आपने बस एक काम करके चलना है, चैनल पे सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा देना अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं और आप चाहते हो कि डेली आपकी क्लास आपको मिले, आपकी क्लास मिस ना हो, तो चैनल पे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा के बेल आइकन दबा देना। बाकी रैंकर्स गुरुकुल का जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। और ये जो PDF है इस क्लास की वो भी आपको वहाँ पर मिल जाए, टेलीग्राम पर मिलेगी, नाम नाम है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ही मिल जाएगा। तो ये काम जरूर से कर लेना। इसको कहा जाता है यहाँ पर टिटनस, यानी कि टिटनस ही है लॉक जॉ डिसऑर्डर। जबड़े क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। ऐसा नहीं है मैम मुंह खुला है किसी का तो खुला ही रह जाएगा, नहीं भैया, वो कुछ क्षण के लिए होता है। इंसान को ये चीज फील होती है और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। और इसी बीमारी को हम जीवाणु जनित रोग कहते हैं। बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। आई होप दिस इज क्लियर। जितने भी लोग कोरोना की बात कर रहे हैं, देखो आज हमने जितने भी पढ़े हैं ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अब आपका कोरोना वायरस है, एड्स वायरस दिखाई देता है, मीजल्स, मम्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे वायरस से होने वाले रोग हैं, जिनको हम कल की क्लास में यानी कि कल सुबह 11 बजे पढ़ेंगे कि विषाणु से ये जितने भी रोग होते हैं ना, कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, एड्स हो गया, कोरोना वायरस है, इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, फ्लू हो गया, ये सारे रोगों को हम पढ़ने वाले हैं कल सुबह सेम टाइम 11 बजे। तो आज तो हमने बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स के बारे में जाना है और इसके कुछ क्वेश्चंस को भी लगाया, तो पता चला कि हाँ भैया तुम जो है आंसर सही दे रहे हो। अब देखो अगला सवाल बताओ इसको कि आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस में दी जाने वाली दवाई है? पेनिसिलिन है, एस्पिरिन है, पैरासिटामोल है, या फिर डिटॉल होगी? करें आंसर। टिटनस को मिर्गी नहीं कहते हैं। चलो, मिर्गी जो है वो अलग से दिखाई देती है, आपके ब्रेन के ऊपर प्रभावित करती है, अटैक जो है वो आता हुआ नजर आता है, फिट्स कहते हैं उसको। कौन सी ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए? अब ट्यूबरक्यूलोसिस क्या है मैम? जीवाणु जनित रोग है। पहली चीज तो वायरस के लिए कोई दवाई नहीं है। कभी भी अगर सर्दी जुकाम खांसी होती है तो तुम जाकर के कोई भी दवाई लोगे ना, वो काम नहीं करेगी कि मैम कोल्ड हो गया, कॉमन सर्दी जुकाम हुआ है, कोई दवाई काम नहीं करती, क्योंकि वायरस के लिए दवाइयाँ नहीं है। वायरस की तो टीका लगता है सीधे, बैक्टीरिया की दवाई होती है। अब बैक्टीरिया इस जीवाणु को मारने के लिए मैं क्या खा सकती हूँ? कोई एंटीबायोटिक खा सकती हूँ? क्यों भाई? एंटीबायोटिक मतलब जो बायो वर्ड आता है, किसी भी बैक्टीरिया के लिए हम बात करें, किसी जीवित जीव के लिए बात करें, उसके अगेंस्ट में वो दवाई काम करती है। अब अगर बात की जाए तो पेनिसिलिन हमारी एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि किस में मदद करेगी? आपके इस बीमारी के अंदर मदद करेगी। एस्पिरिन ब्लड को पतला करती है, ब्लड थिनर कही जाती है, हार्ट के पेशेंट्स को दी जाती है। पैरासिटामोल बुखार की दवाई आप कहते हो कि ये एक एंटीपायरेटिक है, बुखार को कम करने में मदद करती है। डिटॉल जो होती है वो आपकी एंटीसेप्टिक कहा जाता है कि भैया कोई जख्म घाव हो गया है, उसमें इन्फेक्शन ना फैले, उसके लिए डिटॉल का सेवन कर लेते हैं, डिटॉल को लगा लेते हैं। तो पेनिसिलिन हमारा आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन वैसे भी आपकी सबसे पहली बनी हुई फर्स्ट एंटीबायोटिक यहाँ पर देखी गई थी, जिसको बनाया किसने था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने बनाया था। ये नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे इसी पेनिसिलिन को बनाने के लिए। मारती किसे है? बैक्टीरिया को, बट बनी किससे है? कवक से। तो ये भी याद रखना, बनी कवक से है, लेकिन मार किसको रही है, खत्म किसको कर रही है? बैक्टीरिया को खत्म कर रही है। तो भैया ये आंसर हमारा पेनिसिलिन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, नवजात बच्चे को इसके प्रतिरक्षित करने के लिए ट्रिपल टीका लगाया जाता है, कौन सा टीका कहा जाएगा, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल वैक्सीन? ट्रिपल वैक्सीन किसे कहा जाता है और किन बीमारियों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं? आंसर करिए। चलो, सबके कमेंट दिख रहे हैं, आपका पढ़ाया याद हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। और याद हो जाता है तो साथ में अपने नोट्स भी बनाते चला करो, ताकि आपको आगे रिवीजन में मदद मिल जाए, कि बाद में जब हमें रिवाइज करना हो मैडम तब हमें चीज़ें हेल्प कर जाएं। आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हुपिंग कफ, टिटनस और डिप्थीरिया। देखो बताया भी था, हुपिंग कफ को हम पर्ट्यूसिस के नाम से जानते हैं, टिटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, डीपीटी का टीका हो गया, और डीपीटी ही कही जाती है ट्रिपल वैक्सीन, डीपीटी, क्योंकि 1, 2, 3 बीमारियों को यहाँ पर टैकल कर रही है। तो हुपिंग कफ, टिटनस और डिप्थीरिया ये रोग हमारा कहा जाएगा ट्रिपल टीके के अंदर, इसी को ट्रिपल वैक्सीन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस नाम से जानते हैं? जो रोग को पैदा करते हैं उन सूक्ष्म जीव को हम किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? जल्दी से बताओ, उन जीवों को किस नाम से जाना जाता है जो बीमारी को कॉज कराते हैं, पैदा करते हैं? फैला नहीं रहे हैं, मच्छरों की बात नहीं करी है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी मोनिका? पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, रैंकर्स गुरुकुल नाम है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए, बी आंसर लगा रहे हैं, कैरियर। बिल्कुल गलत हो जाएगा, साफ सीधे गलत, मैम नेगेटिव में लेके जा रहे हैं नंबर। बी वालों का बिल्कुल गलत है, डी का भी गलत है, ए का भी गलत है, क्योंकि बताया भी था पैथोजन कारक जीव है, रोग के जनक है। देखो रोग को पैदा कर रहे हैं, हिंदी में भी समस्या नहीं आ रही होगी इसको पढ़ने में। रोग जनक है मैम, रोग को पैदा कर रहे हैं, बीमारी को कॉज करा रहे हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है पैथोजन, जो बीमारी को कराते हैं। ये कैरियर या जिन्हें हम कहते हैं वेक्टर, ये वाहक होते हैं, बीमारी को फैलाने का काम करते हैं, ये फैलाते हैं रोग को। कल ही क्लास में इसके ऊपर डिस्कस किया था कि क्या अंतर है सूक्ष्म जीव में और किसी कीट में जो बीमारी को करा रहा है या बीमारी को फैला रहा है। मेरी बात सबको क्लियर है? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और अगला सवाल आपका है कि ये जो शब्द है वैक्सीनेशन, जिसे हम कहते हैं टीकाकरण, ये वैक्सीनेशन शब्द किस लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है? पिग, हॉर्स, काऊ या डॉग? मतलब कौन सा शब्द है जिससे हमने टीकाकरण का वर्ड यहाँ पर लिया है और इसका क्या मतलब यहाँ पर देखा जाएगा। ये सवाल आज आप सब मुझे बताने वाले हो कि भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा होमवर्क के अंदर। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद कमेंट सेक्शन में सभी आंसर करेंगे और सबके नाम जैसे हम हर बार लगाते हैं बोर्ड के ऊपर आपके लगने वाले हैं कि भैया इसका सही उत्तर यहाँ पर जिसने भी दिया है उनके नाम भी आपके लगाए जाएंगे। तो ये काम आप सबने यहाँ पर करना है कि बढ़िया तरीके से अपने आंसर को दे दें। और बाकी देखो जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं तो भैया आपके लिए ना साइंस का कंप्लीट स्पेशल बैच ये चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? आपके आरजी विक्रमजीत ऐप पे। अगर आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, यूट्यूब पर आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं, फ्री चल रही हैं आपके ALP के लिए, लेकिन बाकी जो भी किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस का स्पेशल बैच आप लोगों का चल रहा है। एप्लीकेशन का नाम है आरजी विक्रमजीत, डाउनलोड कर लेना। बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी जो है वो यहाँ पर कराई जा रही है। साथ ही साथ में आप अगर सारे सब्जेक्ट्स की तरफ बात करेंगे तो भैया ये आपका कॉम्बो स्पेशल बैच है जिसकी वैलिडिटी 2 साल की है और इसके साथ भी आप अपने तैयारी को जुट करके कर सकते हो, चाहे गणित हो, रीजनिंग हो या आपका कंप्लीट GS का पैकेज हो। ये सभी सब्जेक्ट्स आपके इस पूरे बैच के साथ जुड़ करके कवर हो ही रहे हैं। अब देखो एक काम जरूर कर लेना, चीजें क्लियर हुई हो तो सेशन को लाइक कर देना। और डेली सुबह की टाइमिंग है सुबह 11 बजे, तो आपने समय से अपनी क्लास में जुड़ना है। टाइमिंग भूलना नहीं है कि मैडम क्या टाइम रहेगा। डेली मॉर्निंग 11 बजे आपकी क्लास रहती है। और इसी के साथ आप लोग अपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे होमवर्क में जरूर से बताएं कि इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। टिल देन आपके ALP के लिए फुल सपोर्ट, पूरी तरह से रैंकर्स गुरुकुल तुम्हारे साथ है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, चीज़ें जब तक शांतिपूर्ण रहेंगी वो ज़्यादा सही रहेंगी, ठीक है। और इसी के साथ मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह सेम टाइम सेम जगह। क्लास कैसी लगी है मुझे ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।